सबसे तेज खबर जब दूध। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। भागलपुर जिलाधिक पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर 7 दिनों का बढ़ाया लॉकडाउन। देखिए अतीश दीपांकर की एक रिपोर्ट। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर 7 दिनों का लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि बिना काम घर से बाहर ना निकले प्रशासन लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। लॉकडाउन भागलपुर, नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु, दवा, सब्जी, किराना दुकानदार समय के मुताबिक खोलेंगे एवं बिना मास्क के घर से बाहर जाना प्रतिबंध किया जाएगा। क्षेत्र एवं अन्य नगर निकाय इकाइयों में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस सभी बंद रहेंगे। कुछ चीज़ों को जो अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है वह है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दूध डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, ई कॉमर्स की सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, इनको एग्जेम्पशन की सूची में रखा गया है और इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें बंद रहेंगी। गैर जरूरी सेवाएं जितनी भी हैं वो बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यंत जरूरी सेवाएं ही इन क्षेत्रों में खुलेगी। इस जरूरी सेवा में सिर्फ जिला प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय अस्पताल खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सारे कार्यालय भी बंद रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन ये खुले रहेंगे। नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत आपूर्ति, जल सेवा, सैनिटाइजेशन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। 11 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये तथाकथित जो हम लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं ये प्रतिबंध प्रभावी रहेगा और इसमें दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। विशेष रूप से 2 चीज़ों के दुकानों के खुलने की बात आती है, किराने की और सब्जी की। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों के खुलने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो दवा की दुकानें हैं। बाकी सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड श्रेणी है वो सब्जी की दुकान है और आपको किराने की दुकान है, उसका भी टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक। जैसा कि एसपी साहब ने कहा और उसको हम लोग भी रिपीट की, यह स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। सभी लोग इससे वाकिफ हैं, किसी एक व्यक्ति से ये संबंधित नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे आम आवाम से अपील करते हैं, जनता से, लोगों से अपील करते हैं कि इसका स्वतः स्फूर्त रूप से इसका अनुपालन हो। न तो हमें प्रयास करना पड़े, न किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। ये हम लोग चाहेंगे कि यह स्वतः स्फूर्त सभी लोगों के द्वारा यह किया जाए ताकि ये जो कोरोना का संक्रमण है इसके चलते जो परेशानियां हैं, जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसका मिलजुल करके हम लोग इसको दूर कर सकें, इस पर काबू पा सकें। इसके लिए अनिवार्य है कि सभी लोगों का पूरी तरह से सहयोग। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क